और चलिए YouTube चैनल ने धूम मचा के रखी है। YouTube यानी शहडोल से मैं देखा, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हास्य कवि हैं, वीर रस कवि हैं हमारे भैया। क्या नाम है भैया आपका? नवनीत शर्मा। नवनीत शर्मा कहाँ रहते हैं आप? हम शहडोल के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ग्वालियर में कैसे आना हुआ आपका? जीवाजी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही थी यूथ फेस्टिवल, तो हम यहाँ आए हैं। यूथ फेस्टिवल में आप यहाँ पर आए शहडोल से? हाँ। तो क्या सुनाना चाहेंगे आज? मैं मूलतः वीरस लिखता हूँ, लेकिन हास्य की पंक्ति भी सुना सकता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन हास्य की पंक्ति सुनिए। हास्य की सुनिए। हमें पता है कि लड़कियाँ ब्यूटीफुल बोलती हैं, है ना? तो चार लाइन उनके लिए हास्य पंक्तियाँ, कि बहते झरझर में किसी को पुल बोल दो, व्यक्तियों को आप व्याकुल बोल दो, और लड़कियां तो एक मिनट में पट जाएंगी, लड़कियों कर आप ब्यूटीफुल बोल दो। बहुत बढ़िया, वाह वाह, तालियां। और काशी का कल्लू राम था काबा बना गई। एक आशिक क्या सोचता है कि काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, मैं था बड़ा होटल मुझे ढाबा बना गई, और लुटते हैं इसमें कैसे ये हमसे पूछिए, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। और हमें पता है कि हमारे जो युवा हैं वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अपने युवाओं को किस साइड भेजना चाहता हूँ सुनिएगा, कि सुभाष भगत तिलक मंगल की वो रवानी चाहिए, लक्ष्मी जीजाबाई दुर्गावती की वो भवानी चाहिए, और स्वतंत्र हिंदुस्तान के लिए जो रक्त ताम सके ऐसी बलिदानी धर्म है सबकी वो जवानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब पंक्तियाँ सुनिएगा, हमारी बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, तो उनके लिए मैं क्या पंक्तियाँ लिखता हूँ सुनिएगा, कि बेटी ना होती तो माँ का दुलार ना होता, कि बेटी न होती तो माँ का दुलार न होता, बेटी न होती तो दुर्गा का अवतार न होता, और क्यों पड़े रहते हैं पापी इन्हें पता नहीं कि बेटी न होती तो सारे संसार न होता, बेटी न हो सारे संसार न होता। और जैसे हमें पता है कि ये मेला चल रहा है, तो मेले पर मैं क्या छंद लिखता हूँ, एक साहित्य छंद होता, सुनिएगा, कि आने बा निशाने हम युवा में प्रताप हम, कि आने बा निशान हम युवा में प्रताप हम, धर्म ज्ञान देने वाले शास्त्रों को प्रणाम है, पवन पवन चले ऐसी जो लहर चले, सुर भीत छंद वाले मात्र को प्रणाम है, और तन बले सौर शक्ति आत्मबले बल शक्ति इन सर्वशक्ति वाले पात्र को प्रणाम है, और देश हित बात करे ग्वालियर जो बात करे, ग्वालियर मेला में आए हुए नागरिकों का स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, भरे भरे आए हैं भैया। हाँ, हमारे शहडोल से आए हैं। और भैया एक और कोई और हो जाए, और मैं नहीं बोल रहा, वो हमारी चाची बैठी है ना सामने, वो बोल रही है, चाची एक और बंसमोर। हाँ एक और हो जाए कोई, वो बैठी है टीवी के सामने। हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी हमारे कितने बड़े नेता थे, मैं उन पर पंक्ति समर्पित करता हूँ, कि स्वच्छ साफ छवि हो जैसन कोई रवि हो, ईमान से नवयुक्त वह युग चेता हो, जनता को माने मान कराए कर्तव्य भान, ऐसा कोई इस देश में जन प्रणेता हो, और नहीं कोई अब तक खरे उतरे तलक, अपने से ज्यादा वक्त वतन को देता हो, और भ्रष्ट मुक्त होए सब, ऐसा कहूँ गर जब नेताजी सुभाष जैसा कोई व्यक्ति नेता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। भैया अभी आप रुके रहिएगा, आपके लिए भी उपहार है डैन टीवी की ओर से, और मेला महोत्सव की ओर से आपके लिए भी उपहार है। दोस्तों मेला महोत्सव की टीम पहुंच चुकी है छतरी नंबर 3 पर गोदरेज रवि एम्प्लायंसेस के शोरूम पर। गोदरेज पर बिग ऑफर चल रहा है, यानी कि 8 से 9 हज़ार रुपये का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है ग्वालियर के व्यापार मेले में। अगर आप गोदरेज 123 वर्ष पुरानी कंपनी ने विश्वास जीता है हिंदुस्तान का, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, तो आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में गोदरेज के एम्प्लायंसेस पे, यानी कि रवि एम्प्लायंसेस ने लगाया है गोदरेज का ये शोरूम। अगर आप टीवी या अगर आप एसी लेना चाहते हैं, डबल डोर फ्रिज लेना चाहते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन भी लेना चाहते हैं, या डीप फ्रीजर लेना चाहते हैं, सब कुछ एक ही छत के नीचे यहाँ अवेलेबल है, और 8 से 9 हज़ार रुपये का सीधा सीधा डिस्काउंट चल रहा है मेला ऑफर में। हाँ 29 फरवरी तक का ये मेला है, और मेले के सारे फायदे अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आज आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में। छतरी नंबर 3 पर है रवि एम्प्लायंसेस का ये शोरूम, छतरी नंबर 3 पर आइए और अपना पसंदीदा प्रोडक्ट अपने घर लेकर जाइए। और हाँ अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो बुकिंग सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है, आज ही आइए और अपना पसंदीदा प्रोडक्ट अपने घर लेकर जाइए। गोदरेज रवि एम्प्लायंसेस का ये शोरूम छतरी नंबर 3।